दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल माँ की रसोई घर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सूप। तो ठंड का मौसम चल रहा है और इसमें सूप मिल जाए गर्मा गर्म पीने के लिए तो क्या कहना। तो बच्चे आज बोल रहे हैं मम्मी सूप पिला दो, तो चलिए सूप बनाना शुरू करते हैं। सूप बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम लिए हैं दो टमाटर को बारीक काट कर ले लिए हैं, एक प्याज को बारीक काट कर ले लिए हैं, एक टुकड़ा अदरक ले लिए हैं। इसे सूप में घिस कर डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है सूप में। यहाँ पे हरे धनिया को काट कर बारीक ले लिए हैं, यहाँ पे चार हरे मिर्च को बीच से काट कर ले लिए हैं, हरे मटर को छील कर ले लिए हैं। तो चलिए सूप बनाना शुरू करते हैं। सूप बनाने के लिए गैस जलाकर कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिए थे और पानी गर्म हो चुका है। तो हमने जितने सामान लिए हैं सूप बनाने के लिए, इन सभी को इस पानी में डाल देंगे। तो सभी सामग्री को हम पानी में डाल दिए हैं और अदरक को भी घिस कर ले लिए हैं, तो इसे भी डालकर और अच्छे से सूप में मिला देंगे। इसे ढककर हम पकाएंगे। तो ढक्कन हटाकर देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छे सूप में उबाल आ गया है। हम बाकी के सामग्री डाल देते हैं। तो सूप में डालने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे छोटा पैकेट, तीन पैकेट मैगी लिए हैं, तो इस मैगी को डाल देंगे। मैगी मसाला जो है इसे हम पैकेट से फाड़ कर ले लिए हैं, इसे भी डाल देंगे और थोड़े से गोलमरीच पाउडर डाल देंगे। हम स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। इन सभी को अच्छे से चला देंगे। तो मैगी को अच्छे से सूप में पकने देंगे। तो इसे अच्छे से चला दिए और इसे ढक के पका लेंगे। तो सूप में जो सामान सब डाले थे वो पकते हुए 2 मिनट हो गया, तो ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। सूप से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मैगी भी अच्छा से पक चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और सूप को खाने के लिए सर्व कर लेंगे। सूप बनकर तैयार हो गया, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्याज काट कर डाल देंगे, इससे और भी ये टेस्टी हो जाता है सूप। और इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के सर्व करिए। जी दोस्तों, गर्मा गर्म सूप बनकर तैयार हो गया, बहुत ही टेस्टी लगता है यह सूप पीने में। तो सूप का रेसिपी आप सभी को कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, आगे अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।